मेरिट लिस्ट इट इज़ रिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वादत रोड तो आज की इस वीडियो में हम जो है वह गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वादत रोड की मेरिट लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर कि साइंस कॉलेज की मेरिट लिस्ट अपलोड कर दें तो उनके लिए ये लिस्ट जो है वो अपलोड करने जा रहे हैं और ये उसके सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके मेरिट के बारे में स्टडी करेंगे ये कुछ चीज़ें इंटरव्यू से रिलेटेड हैं जो कैंडिडेट जो हैं वो मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आ जाएगा या जिनके मार्क्स उसमें आएंगे वो फिर बाद में इंटरव्यू देंगे और इंटरव्यू देने के बाद जो है वो इंटरव्यू की जो प्रोसीजर है वो लिखा हुआ है ये भी डिस्कस करेंगे तो बैठते हैं अपनी मेरिट लिस्ट की जानब मेरिट लिस्ट क्या कहती है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस की गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस रोड लाहौर तो ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स है ये भी विजिट कर सकते हैं आप और अब ये इवनिंग की मेरिट लिस्ट लगी है पार्ट वन दो हज़ार तेईस की आ, दो सेशन उसमें होते हैं एक मॉर्निंग का होता है और एक इवनिंग का होता है इंजीनियरिंग का जो मेरिट है वो फाइव हंड्रेड है आउट ऑफ एलेवन हंड्रेड यानी कि इवनिंग में जो हमेशा से मेरिट है वो कम ही होता है मॉर्निंग में जो मेरिट होता है वो ज़्यादा होता है वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स कम होते हैं उनके लिए चांस होता है कि वो इवनिंग में अपनी स्टडी जो है वो अच्छे कॉलेज से वो जारी रख सकें अपना एडमिशन जो है वो, वो कॉलेज के थ्रू भेज सकें मॉर्निंग में जो कि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है इस वजह से जो हाईस्ट टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो मॉर्निंग में उनका एडमिशन हो जाता है तो बात एक ही है बस जस्ट टाइम का जो है वो थोड़ा बहुत आपको फ़र्क पड़ता है उसके बाद प्री मेडिकल का जो है वो फाइव हंड्रेड है मेरिट इंजीनियरिंग और मेडिकल वो 500 और का वो फाइव हंड्रेड और आई सी एस फिज़िक्स का छः सौ साठ यानी कि ये अब नया ट्रेंड मैंने पहले भी वीडियोज़ जितनी भी बनाई हैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स की एम यू कॉलेज की कोइन मैरी कॉलेज की कोपोरोड कॉलेज की जितनी भी हैं एल सी डब्ल्यू वगैरह जितनी भी इसमें हमने वीडियोज़ देखी हैं उसमें यही ट्रेंड चल रहा है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल जो है दड़म से नीचे गिर गए हैं अब जो आई सी एस फिजिक्स है वो ऊपर जा रहा है ठीक है क्योंकि आई टी का दौर है ये तो छः सौ साठ मेरिट है इसका आईसी स्टैटिक्स का जो है पाँच सौ है अब देखें आर्ट्स का है वो चार सौ चालीस है ठीक है तो ये इंटरव्यू प्लेस ऑफ इंटरव्यू रूम नंबर फोर रोम नंबर फोर और ये उसके सामने लिखे हुए हैं जहाँ पर कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा वो भी आप देख सकते हैं आई काम का जो मेरिट है वो चार सौ चालीस है आउट ऑफ एलेवन हंड्रेड ये भी काफ़ी ज़्यादा कम है इवनिंग में अक्सर जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मेरिट जो है वो कम ही होता है आगे इंटरव्यू से रिलेटेड है इंटरव्यू भी हेल्ड हैडेक्टेड रूम फॉर एटीन एट टू ट्वेंटी फोर एट यानी कि अठारह से लेकर चौबीस तारीख तक आठवें महीने यानी कि अगस्त की इंटरव्यू होंगे सुबह साढ़े आठ से लेकर एक बजे तक इंटरव्यू होगा मंडे से थर्सडे और सैटरडे को जबकि साढ़े आठ से बारह बजे तक जो है फ्राइडे को होंगे oh, oh. स्टूडेंट्स आर डायरेक्टेड टू कम फॉर इंटरव्यू ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर वेरफ़िकेशन आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे जिनमें आपके रिजल्ट कार्ड होगा आपके यहाँ बे फॉर्म होगा करेक्टर सर्टिफिकेट होगा और पेरेंट्स की आई डी कार्ड कॉपी होगी तो ये फोटो कापीज़ भी लेके जानी है आपने साथ और बैंक ऑफ पंजाब जो है ऑनलाइन सिस्टम की आपने वहाँ से फ़ीस भी जमा करानी है चौबीस तारीख तक जमा करवा सकते हैं नहीं तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो लगेगी चौबीस आठ दो हज़ार तेईस को तो ये स्टूडेंट्स था सारा जो साइंस कॉलेज के बारे में तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आ, अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार आप कमेंट सेक्शन में कीजिए आज के लिए इतना काफ़ी अपना ख्याल रखिएगा मिलते हैं ब्रेक के बाद अल्लाह हाफिज